इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते किसी भी दवाई को इस्तेमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह लें अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करते हैं और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी एफ बी सिक्स हंड्रेड ट्वेंटी फाइव टैबलेट ए कॉम्बिनेशन मेडिसिन दैट इज यूज टू ट्रीट वेरियस टाइप्स ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस यह सूक्ष्मजीवों को बढ़ने से रोकने के लिए सूक्ष्मजीवों के खिलाफ लड़ता है और संक्रमण को अधिक फैलने से रोकता है यह डायरिया यानी कि दस्त की भी रोकथाम करता है जो इस दवा के साइड इफेक्ट के रूप में हो सकता है एफ्लेवेल बी सिक्स हंड्रेड ट्वेंटी फाइव टैबलेट इस प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन इसे डॉक्टर की पर्ची के अनुसार लेने की सलाह दी जाती है इसे खाने के साथ या बिना खाए लिया जा सकता है लेकिन बेहतर प्रभाव सुनिश्चित करने के लिए इसे एक निश्चित समय पर लिया जाना चाहिए बताए गए डोज से अधिक न लें क्योंकि ऐसा करने से आपके शरीर पर नुकसानदायक असर हो सकता है अगर आप एक खुराक लेना भूल जाते हैं तो याद आने पर इसे तुरंत लें अगर आप बेहतर महसूस कर रहे हैं तो भी इलाज का कोर्स पूरा किया जाना चाहिए इलाज को अचानक से बंद करना दवा की क्षमता पर असर डाल सकता है सम कॉमन साइड इफेक्ट्स ऑफ दिस मेडिसिन आर नोसिया वॉमिटिंग डायरिया इनडिजेस्टन ईटीसी अगर इनमें से कोई भी साइड इफेक्ट बढ़ जाते हैं तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए अगर आपको किसी एलर्जिक रिएक्शन यानी कि चिकते खुजली सूजन सांस फूलना आदि का अनुभव होता है तो आपको तुरंत चिकित्सकीय मदद लेनी चाहिए इस दवा को लेने से पहले अगर आप किसी भी स्वास्थ्य समस्या के लिए कोई दवा ले रहे हैं तो आपको अपने डॉक्टर को बताना चाहिए गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को इसे लेने से पहले डॉक्टर से भी परामर्श करना चाहिए शराब पीने से बचें क्योंकि इस दवा से अत्यधिक बेहोशी हो सकती है आमतौर पर यह आपकी गाड़ी चलाने की क्षमता को प्रभावित नहीं करता है लेकिन यदि आपको नींद आ रही है या चक्कर आ रहे हैं तो आपको ड्राइव नहीं करना चाहिए ठीक होने की रफ़्तार बढ़ाने के लिए आपको पर्याप्त आराम करना चाहिए साथ ही सेहत के लिए अच्छा आहार भी लेना चाहिए और खूब सारा पानी पीना चाहिए आपके शरीर पर इस दवा के असर को जानने के लिए आपका डॉक्टर कुछ लेबोरेटरी और डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए कह सकता है वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें धन्यवाद